लेकिन एक दौर था जब आप खुद तस्वीरें खींचते थे और दिल्ली के एक अंधेरे कमरे में खुद ही उनको आप प्रोसेस पीक कर जी हाँ बिल्कुल इंडिया टुडे तो में हमारा डार्क रूम था और हर प्रिंट हम खुद बना के देते थे बल्कि यहाँ तक मेरे जो साथी थे प्रशांत बंजियार भवान सिंह कभी कभी मैं, मैं कहता था यार नहीं यार ये टोनल वैल्यूज़ ठीक नहीं ये कॉन्ट्रास्ट मैं खुद उनके प्रिंट बनाता था क्योंकि जैसा आप प्रिंट बना के देंगे उसके लगभग छपेगा आप जब आपने शुरुआत की तो फोटोग्राफी में तो नहीं की थी आप तो एक जगह नौकरी कर रहे थे जी हम एक्चुअली माय फादर वाज इन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑल इज़ लाइफ ही वाज सुप्रिंटेंडेंट मींस हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर उनके बॉस जो थे वो चीफ इंजीनियर थे तो माय फादर थॉट कि अगर मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो वो भी चीफ़ इंजीनियर बनेगा तो हमारे ज़माने में ये थोड़ी इजाज़त थी कि हम चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है बड़ी तो ज़माना क्या था वो ज़माना ये था कि हुक्म की तामील की जाती थी ऑर्डर और <laughs> साल क्या थे सर ये बेसिकली दिल्ली में ही थे इनिशियली पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद फिर क्योंकि मेरे फादर इरिगेशन में थे तो पंजाब में पंजाब इरिगेशन में थे तो हम पंजाब के सिटीज़ में ट्रैवल करते रहते थे तो उन दिनों में लार्जर पंजाब होता था तो कभी हम रोहतक में हैं कभी अम्बाला में हैं कभी शिमला में हैं कभी कहीं इस तरह से होता रहता था तो मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी फिर मैंने गवर्नमेंट के साथ एक साल गवर्नमेंट के साथ किया जो एक साल के लिए ही वो जॉब थी फिर एक साल के लिए आर्मी में किया एज अ ड्रॉइंग इंस्ट्रक्टर फिर उसके बाद वो भी एक साल के लिए थी फिर मैं भाग के दिल्ली आ गया मैंने कहा मेरे बस का नहीं मन नहीं लगा। हाँ। मैं पढ़ रहा था आप नौकरी के बीच में ऐसे चले आते थे और खाना वाना खा के सो जाते थे हाँ नहीं ऐसा था ना देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है कैनाल्स के किनारे होता था बिल्डिंग और वहाँ पे खेत और लैंडस्केप और नहर चल रही है सारा कुछ हो रहा है तो जब लंच टाइम होता था मैं अपना लंच करके जी खेत में सो जाता था <laughs> और कभी कभी ज़्यादा देर तक नींद आ जाती थी <laughs> एक निश्चिंतता तो थी मतलब ठहराव से काम करना या आपकी ज़िंदगी में जो ठहराव जो अभी भी दिखता तस्वीरों में भी कई बार दिखता है वो शुरू से ये तो था कि आप भागा दौड़ी वाला तो काम नहीं करना चाहते थे नहीं देखिए जर्नलिज्म तो जब मैंने जॉइन किया इट वाज ऑल भागा दौड़ी इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स यू हैव टू प्रोड्यूस अनलाइक अ राइटर कि जो उसने जो देखा और कितना समझा <laughs> और जब तक वो वापस आया लिखने बैठा स्टोरी ही कैन रिकलेक्ट री ऑर्गेनाइज थिंकिंग फोटोग्राफर हैज़ टू बी देयर एंड देन इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पे वो फ्रैक्शन ऑफ़ सेकंड की खेल था तो आप दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में फिर गए? दिल्ली में मेरे बड़े भाई एस पॉल थे जो एक्सप्रेस के चीफ फोटोग्राफर थे उनके पास रहने आया था तो उन्हीं के पास मुझे ये लत लग गई कि चलो मैं भी फोटो खींचता हूँ क्योंकि संगत वैसी थी हाँ और उनके जो सारे दोस्त मिलने आते थे और उन, उनके हर तरफ जो था सिवाय तस्वीरों के कैमराज और लेंसेज के कुछ होता ही नहीं था और उनके दोस्त भी आते थे तो कोई एक फ़ोटो दिखा दिखाने आया है कोई नया लेंस खरीदा मैं कहता था एज इफ देर इज़ नथिंग एल्स टू फोटोग्राफ इन दिस वर्ल्ड यू नो इसमें ऐसा है ही क्या क्यों कर रहे हो सब <laughs> तो इसी तरह एक उनका दोस्त जो था वो जा रहा था मैं ब्रीफली बताता हूँ ये पुरानी कहानी है hmm. तो बड़ा अच्छा आदमी था योग जो वो अपने गाँव जा रहा था फोटोग्राफी करने और अपना फार्मिंग देखने तो मैं उसके साथ चला गया तो वहाँ पे मैंने मैंने भी तस्वीर खींच डाली एक दो तो जब मैं वापस आया फिल्म प्रोसेस से उन्होंने कहा ये ये तस्वीर है बेबी डोंग की तो ये टाइम्स लंदन में हाफ़ पेज छप गई विद माय बाई तो जब न्यूज़पेपर आया तो सब ने कहा बिग डील मैंने कहा अच्छा जी क्योंकि मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था फोटोग्राफर आपको टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं पता थी ना ना वाह भाई साहब ने बताया कि ये फोकस है ये एक्सपोजर रख देना पर पहली फ़ोटो कैसे हो सकती है किसी की डेस्टिनी <laughs> जो है उसको आप नहीं क्वेश्चन कर सकते ना फिर फिर ये बात जो आपने पूछी है मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि उसके बाद मैंने सोचा जब सबने कहा बिग डील बिग डील तो मैंने कहा चलो यार मैं कैमरा ही फोटोग्राफी करके देखता हूँ तो मैं सुबह निकलता था एक फिल्म डाली कैमरा में सारा दिन भटकने भटकना गलियों में और ढूंढते फिरना तो जो ढूंढता है वो पाता भी है <laughs> तो फिर शाम को फिल्म प्रोसेस करनी तो इसी तरह दो चार मेरी और बड़ी अच्छी तस्वीरें बन गई अब जब व्हेन आई लुक बैक तो मैंने ये डिस्कवर किया कि जहाँ पे मैंने देखिए मैं फोटोग्राफर तो था नहीं ना बनने का इरादा था ना कोई डिसिप्लिन था लेकिन जहाँ मैंने इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड किया सिचुएशंस को hmm. ना इंस्टिंक्ट इज़ द डिवाइन एनर्जी दैट कनेक्ट्स यू विद एवरी इंच ऑफ स्पेस तो ये जो कैंडिड इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स मेरे जो होते थे वो मुझे नई दिशा और नए दर्शन देते थे, थे तो ये उसकी मेहरबानी ये ये बड़ी ज़रूरी बात है कि उसकी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ चले और वो कब चलती हैं जब आप प्योरिटी और सादगी से जीते हैं तो दिल्ली आप आए और फिर आपको चस्का लगा और ये फोटो तो मतलब ज़बरदस्त विदेश में छपी इससे बड़ा कुछ ऑनर हो नहीं सकता इट वाज रियली बिग डील टाइम आज भी लोग तरसते हैं